हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन। यदि आपको लगातार कॉन्स्टिपेशन रहता है तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है, आपको सीरियस होने की ज़रूरत है। आपका लगातार कब्ज आपको कोई सीरियस बीमारी पैदा कर सकता है जो बाद में खतरनाक रूप ले सकती है। इवन कॉन्स्टिपेशन यदि लगातार बना रहेगा तो आपको पेट से संबंधित या किसी दूसरे हिस्से में आपको इन्फेक्शन हो सकता है, आपको गांठ बन सकती है, इवन आपको कैंसर हो सकता है। तो यदि आपको लगातार कॉन्स्टिपेशन रहता है तो आप अपनी कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करें, उसको समझें, आप डॉक्टर से परामर्श करें। बट किसी भी कंडीशंस में लगातार कॉन्स्टिपेशन के बने रहने से आपको शारीरिक मानसिक नुकसान होंगे और बहुत सारे नुकसान होंगे। तो आज हम ये समझ लेते हैं कि कॉन्स्टिपेशन क्यों इतना डेंजरस है, कॉन्स्टिपेशन क्यों खतरनाक है, आयुर्वेद में हम क्यों कॉन्स्टिपेशन को रूट कॉज कहते हैं, पेट को हम रूट कॉज कहते हैं डिसीज़ का, यानी कब्ज़ और पेट, यानी गैस, कब्ज़ और पेट की प्रॉब्लम्स को रूट कॉज कहा जाता है, यानी वो जड़ है बीमारी की। तो हमें आज ये समझना है कि कब्ज़ को हम कैसे डील करें। कॉन्स्टिपेशन यदि आपको रहता है तो आपको ये समझना होगा कि आपकी किसी दवाई के कारण आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, व्यायाम ना करने के कारण आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आपको फिजियोलॉजिकल कोई इशू हो सकता है, मींस आपका जो एनोरेक्टल पैसेज है, जो रास्ता है, उसमें कुछ इन्फ्लामेशन हो सकता है, गांठ हो सकती है, पाइल्स हो सकता है, फिसर हो सकता है, या फिर आपको फिस्टुला हो सकता है, या फिर कंटिन्यूसली आप यदि लंबे समय तक एक पोस्चर में बैठे रहते हैं, बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीते हैं, बहुत ज़्यादा मटन चिकन आप खाते हैं और बहुत ज़्यादा आप कैलोरी लेते हैं और बहुत ज़्यादा जंक फूड, फास्ट फूड, आउटसाइड फूड लेते हैं, तो आपको एक कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है जो लगातार बने रहने से बाद में कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा करेगी। जनरली देखा यह गया है कि कॉन्स्टिपेशंस के बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारी थ्योरीज चलती हैं, बहुत सारे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन बेसिक जो रूट कॉज होता है कभी हम उस पर ध्यान नहीं देते। कॉन्स्टिपेशन का जो रूट कॉज है वो आपके खाने में फाइबर की कमी, लिक्विड डाइट की कमी, स्लीप का अच्छा ना होना, स्ट्रेस का बने रहना और फिजिकल एक्सरसाइज यानी शारीरिक व्यायाम का ना करना एक सबसे बड़ा मुख्य कारण हो सकता है। कुछ केसेस में कुछ दवाइयां हैं जिनके कारण कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। मोर देन 300 मेडिसिंस जो लोग डेली बेसिस खाते हैं दुनिया भर में, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉन्स्टिपेशन का कारण बनती हैं, जिसमें आपका कैल्शियम है, आयरन है, कुछ बीटा ब्लॉकर्स भी हैं, स्टीरोइड्स हैं, हार्मोन्स हैं और बहुत सारी दवाइयां हैं कि जो आपको डायरेक्टली कॉन्स्टिपेशन पैदा करती हैं। तो कोई भी दवाई आप बगैर डॉक्टर के कंसल्टेशन से ना लें। यदि आपको कॉन्स्टिपेशन होता है तो आप साथ में प्रोबायोटिक्स लें, यानी वाइजिलैक टाइप कोई दवाई ले सकते हैं, या फिर कोई एंटासिड लाइक पेंटाप्राजोल और रविप्राजोल आप ले सकते हैं, या फिर उसके साथ आप फाइबर लें, कर्ड लें, अच्छे से पानी पिएं। बट मेडिसिन का यदि आप कोई कंटिन्यूस यूज़ करते हैं और उसको उससे यदि आपको कॉन्स्टिपेशन होता है तो आपको अपने डॉक्टर को रिविजिट करने की ज़रूरत है, आपको अपनी मेडिसिन को चेंज करने की ज़रूरत है। और स्टीरोइड या हार्मोनल जो ट्रीटमेंट्स हैं वो भी डायरेक्टली कॉन्स्टिपेशन करते हैं। अब कॉन्स्टिपेशन से होने वाली कुछ समस्याएं हैं, आपको एनीमिया हो सकता है, यानी कि आपकी बॉडी में आयरन का एब्जॉर्प्शन कम होगा, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कम होगा, जिससे कि आपको एनीमिया, डिप्रेशन, एंजाइटी का खतरा पैदा होगा। दूसरे लेवल पे आपके बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशन मिलने वाला है, जो एब्जॉर्ब करती है आपकी इंटेस्टाइन न्यूट्रिशन, तो देखा ये गया है कि कॉन्स्टिपेशन के कारण वो प्रॉपर न्यूट्रिशन हमें नहीं मिल पाता है, तो कुछ डेफिशिएंसीज भी आती हैं और वो भी लेटर ऑन बाद में बीमारी का कारण बनती हैं। यदि आपको लगातार कब्ज रहता है तो आपको हाइपर एसिडिटी स्टेट डेवलप होगा, जिससे कि आपको एसिडिटी बॉडी में फ्लो करेगी, जिससे एसिड रिफ्लेक्स, दिल का कमज़ोर होना, वेन्स का कमज़ोर होना, यानी कई बार देखा गया है कि आपको फोकस करने में डिफ़िकल्टी होती है, आप दिमागी शारीरिक कमज़ोरी महसूस करते हैं। सो लगातार कॉन्स्टिपेशन का बना रहना और लगातार एसिड का, हाइपर एसिडिटी बने रहना, ज़्यादा एसिड का बनना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और वो लंबे समय तक यदि आपके साथ रहता है तो वो एक बड़ी बीमारी, भयानक बीमारी का रूप ले सकता है। दूसरे लेवल पे बात आती है कि कॉन्स्टिपेशन यदि रहता है तो हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी लॉस्ट करते हैं, वो फोकस, वो एनर्जी, वो हैप्पीनेस और वो एक पॉजिटिविटी लाइफ से चली जाती है और हम एक साइकोसोमेटिक स्टेट में आ जाते हैं कि हम कॉन्स्टिपेशन पे ही लगे रहते हैं, हम उसके बारे में ही बात करते रहते हैं। तो
तो आप पहले ये समझें कि आपको कॉन्स्टिपेशन है या नहीं, और यदि कॉन्स्टिपेशन है तो आप उसके नेचुरल सॉल्यूशन क्या है, और यदि उससे भी आपको नहीं फ़ायदा होता है तो फिर आप डॉक्टर से परामर्श करें। बट मेक श्योर डाइटरी मॉडिफिकेशन, गुड स्लीप, एक्सरसाइज एंड द स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ द की टू कंट्रोल द कॉन्स्टिपेशन एंड टू कंट्रोल एंड द प्रिवेंशन ऑफ द कमिंग डिसीज़। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।